प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वन टू वन फंक्शन एंड ओन टू फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी थी। ओन टू फंक्शंस की हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस कर ली थी। वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड एग्जांपल जो है हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में आज जो है वो पढ़नी है। तो पहली एग्जाम्पल जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो ये है, अगर आपके पास एक सेट है ए जिसको हमने एज ए डोमेन कंसिडर करना है, दूसरा सेट आपके पास बी है जिसको हम लोगों ने जो है वो को डोमेन कंसिडर करना है, फंक्शन आपके पास एस है फंक्शन एफ जो कि सेट ए से सेट बी तक जो है वो डिफाइन किया गया है। किस तरह डिफाइन किया गया है, इस रिलेशन से डिफाइन किया गया है। जो पहला सेट है ए उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स आपके पास वन टू थ्री एंड फोर। जो दूसरा सेट है बी आपके पास जो कि को डोमेन है उसमें एलिमेंट्स आपके पास ए बी सी डी ई एंड एफ। तो दूसरा सेट में ये छह एलिमेंट्स हैं। फंक्शन आपके पास जो है वो स्मॉल एफ फंक्शन ये वाला इस रिलेशन से डिफाइन किया गया है। किस तरह डिफाइन किया गया है, वन का इमेज आपके पास क्या आ रहा है ए आ रहा है, वन का इमेज आपके पास ए आ रहा है, टू का इमेज आपके पास क्या आ रहा है बी आ रहा है, टू का इमेज आपके पास बी आ रहा है, सी का थ्री का इमेज सी और फोर का इमेज जो है वो आपके पास डी आ रहा है। तो थ्री का इमेज सी और फोर का इमेज आपके पास जो है डी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी वो ये थी कि डेफिनेशन ये है कि जब भी आप डोमेन के जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट लें तो दो डिफरेंट एलिमेंट लेने के बाद आपके जो आंसर आ रहे हैं फंक्शन के वो भी क्या होने चाहिए, हमेशा आपके पास जो है वो इक्वल ही आना चाहिए। जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि जब भी आप फंक्शन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स डोमेन में से लें फंक्शन के केस में और उन एलिमेंट्स को जब हम फंक्शन पुट करें तो फंक्शन पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो भी डिफरेंट ही है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो वन टू वन फंक्शन है। उसके अलावा अगर आप मैथमेटिकली चेक करना चाहें तो मैथमेटिकली जो है वो आप इस वे या इस कॉन्ट्रापोजिट स्टेटमेंट को यूज करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन जो है वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो है या नहीं। तो हमें जो फंक्शन गिवन दिया गया है उसके केस में डोमेन और को डोमेन कौन सी है वो यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो यहाँ पे ड्रा कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने अगर चेक करना है कि हमारा फंक्शन वन टू वन ये है या नहीं, तो आप ये तो वे जो तो ये है ये जो कि आप क्लियर नजर आ रहा है वो इस वे आप बाई डेफिनेशन ही चेक कर सकते हैं कि जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे डोमेन में से, चाहे आप वन लें या टू लें, वन लें या थ्री लें, टू लें या थ्री लें, टू लें या फोर लें, थ्री लें या फोर लें, जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से उनके जो आंसर आपके पास आ रहे हैं वो आंसर भी आपके पास हमेशा जो है वो डिफरेंट ही आ रहे हैं। इसलिए आपका ये फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, ये वन टू वन फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो इस फंक्शन की बात करें फंक्शन जी की बात करें जो कि अगेन इसी सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया हुआ है, और किस तरह डिफाइन किया हुआ है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेट ए आपके पास कौन सा है, उसमें वन टू थ्री एंड फोर ये आपके पास क्या बन रहा है, वो सेट की डोमेन बन रही है। और दूसरा सेट आपके पास क्या बन रहा है, बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये आपके पास जो है वो को डोमेन है फंक्शन जी की, फंक्शन ए से लेकर बी तक जो है वो डिफाइन किया गया जी। डिफाइन किस तरह किया गया, क्या रिलेशन डिफाइन किया गया फंक्शन में कि जो डोमेन का एलिमेंट वन है वो ए के ऊपर मैप कर रहा है, तो वन ए के ऊपर मैप कर रहा है, टू जो है वो बी के ऊपर, थ्री जो है डी के ऊपर, टू बी के ऊपर मैप कर रहा है, थ्री जो है वो डी के ऊपर मैप कर रहा है, इस तरह फोर जो है वो अगेन ए के ऊपर मैप कर रहा है, फोर जो है वो अगेन ए के ऊपर मैप कर रहा है। तो अब हम नोट करेंगे कि जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे डोमेन में से उनको यूज करते जो फंक्शन के आंसर जो है वो हमेशा जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहे, डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे देख सकते हैं, अगर आप एक एलिमेंट वन लेंगे अगर डोमेन में से और दूसरा एलिमेंट जो है फोर लेंगे तो दोनों ही क्या है नोट करेंगे कि वन और फोर क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फंक्शन जी को वन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, उस केस में भी आपका आंसर जो है वो ए ही आ रहा है, और जब आप जी को या फंक्शन को फोर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस केस में भी आपका आंसर जो है वो ए ही आ रहा है। तो एलिमेंट्स आपने डिफरेंट लिए हुए हैं लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जो फंक्शन के आंसर आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, वो डिफरेंट नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। तो अगर आपको कोई से भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं या डोमेन में से जो कि डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है लेकिन उनके इमेजेस यहाँ जो आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं होगा। तो उसके अलावा अगर मजीद आप जो है वन टू वन फंक्शन की एग्जाम्पल करना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर एट। एग्जाम्पल नंबर एट में जो आपको दो फंक्शन कीमत दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन फंक्शन को हम लोग चेक करना है कि ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो डोमेन आपको कीमत नहीं दी गई तो आप लोग
जज कर सकते हैं खुद ही कि जो पहला फंक्शन है एफ, इसको इसमें भी जो हम सेट ऑफ रियल नंबर को जो है वो एज डोमेन यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे ये नंबर पुट करके देख लें आपका आंसर कभी भी इन्फिनिटी, अयोटा या अनडिफाइंड नहीं आएगा। और जो फंक्शन जी है इसकी भी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर ही है, क्योंकि हम सारे के सारे रियल नंबर जो है इसमें पुट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो डोमेन तो दोनों फंक्शन की रियल नंबर ही है, हमने चेक करना है कि फंक्शन आपके पास जो है वो वन टू वन फंक्शन है नहीं। अब क्योंकि जो आपकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर में इन्फिनिट मैनी नंबर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको जो है वो दो दो एलिमेंट्स को उस केस में लेके चेक करना कि दो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट ऑफ रियल नंबर के केस में यहाँ से भी हमेशा डिफरेंट आता है नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं होगा जैसा कि आप लोग अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की है कि यहाँ पे डोमेन आपके पास सेट ए बन रहा था, और सेट ए में क्योंकि सिर्फ चार ही एलिमेंट्स थे तो ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो दो दो एलिमेंट्स लेके चेक कर लिया कि हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या आंसर जो है आपके पास जो है वो डिफरेंट ही आ रहे हैं आपका, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन है। अगर वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट जो आंसर जो है डिफरेंट नहीं आ रहे तो इसलिए आपका फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शन जो है नहीं है। यहाँ पर तो चेक करना आसान है क्योंकि डोमेन में एलिमेंट जो दिए गिवन दिए गए थे ए, ए जो डोमेन थी आपके पास उसमें सिर्फ चार ही एलिमेंट थे। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल में आपका जो फंक्शन गिवन दिए गए हैं उनकी डोमेन जो है उसमें कोई तीन चार या दस एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, और सेट ऑफ रियल नंबर में इनफिनिट मेनी एलिमेंट्स हैं। आज जो है वो दो दो एलिमेंट्स लेके और सेट ऑफ रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स को जो है वो ये चेक नहीं कर सकते कि जब भी आप दो डिफरेंट रियल नंबर लेंगे आपके आंसर हमेशा डिफरेंट आएंगे। उसके केस में फिर आपको क्या करना होगा, मैथमेटिकल वे से जो है फिर चेक करना होगा कि वाकई हमारा फंक्शन जो है वन टू वन फंक्शन है या नहीं। तो मैथमेटिकल वे से क्या चेक करती हैं, वो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई हुई है कि हम जो है काउंटरपोजिटिव स्टेटमेंट यूज करेंगे, दो जनरल आंसर को जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जो एक्स वन एक्स टू के ऊपर जो है वो दो आंसर को जो हम आपस में इक्वल सेट कर देंगे, और इनको इक्वल सेट करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि हमारे उसमें जो एक्स वन और एक्स टू ये जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं फंक्शन के अंदर, जो कि इनपुट वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं जिनको जिनके ऊपर फंक्शन के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, वो इनपुट वैल्यूज भी अब क्या हैं आपस में इक्वल हैं। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो बाई डेफिनेशन ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या वन टू वन फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा फंक्शन जो है वन टू वन फंक्शन जो है वो नहीं होगा। तो वन टू वन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वन और एक्स टू फंक्शन की जो दो इनपुट वैल्यूज हैं उनके ऊपर जो फंक्शन के जो आंसर आ रहे हैं उनको जो है हम आपस में इक्वल सेट कर देंगे, या हम खुद स्पोज कर लेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। और अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन के अंदर एक्स वन एक्स टू इन्वॉल्व हो रहे हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा बाय डेफिनेशन कि हमारा फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स वन क्या है, फंक्शन के अंदर एक्स वन पुट किया हुआ एक्स की जगह, तो हमें पता है कि हम एक्स वन की एक्स की जगह जो एक्स वन कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो टू के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे x की जगह जो x1 पुट करेंगे और प्लस थ्री, तो f ऑफ x1 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2x1 प्लस थ्री। इस तरह अगर आप लोगों ने f ऑफ x2 का आंसर निकालना है तो फंक्शन के अंदर x की जगह जो है वो आप क्या पुट कर देंगे, x2 पुट कर देंगे, तो 2x2 प्लस थ्री या आपको f ऑफ x2 का आंसर मिल जाएगा। और f ऑफ x1 दोनों और एंड f ऑफ x2 दोनों आपस में क्या इक्वल सेट किए हैं हमने, ये दो दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या करना है, चेक करना है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है नहीं, अगर आता है तो फंक्शन वन टू वन है, अगर नहीं आता तो फंक्शन वन टू वन जो है वो नहीं है। तो थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये टू जो है बाद में टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे, और इन दी एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर लिया है कि एफ ऑफ एक्स वन जब भी आप लोगों ने इज इक्वल सेट किया है एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल सेट किया उसको, तो एक्स वन इज इक्वल एक्स टू ये आपके पास आंसर जो है आ गया है। तो बाय डेफिनेशन ये प्रूव हो जाएगा आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये क्या बन जाएगा, वन टू वन फंक्शन बन जाएगा या इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। उसके तरह अगर हम जो है वो जो दूसरा फंक्शन है जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको हम चेक करें, तो यहाँ पे आप जो है खुद ही आप बता सकती हैं बाय वर्डिंग ही कि फंक्शन जो है आपके पास जो है वो वन टू वन फंक्शन जो है नहीं है, क्योंकि वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन किया, जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, मीन एक एलिमेंट आपने एक्स वन लिए दूसरा एलिमेंट आपने एक्स टू लिए, दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए इन एलिमेंट्स का, मीन्स के एक्स वन के ऊपर जो फंक्शन का आंसर आए और जो एक्स टू के ऊपर फंक्शन का आंसर आए वो दोनों भी क्या हों, वो दोनों भी आपस में इक्वल ना हो या डिफरेंट हो। ठीक है, जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लें डोमेन में से, डिफरेंट एलिमेंट लेने के बाद आपके पास जो आंसर है वो भी क्या डिफरेंट है, ये आपके पास है वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन जब आप जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम जो है वो इस फंक्शन जी में जो है, अगर हम इस सेट ऑफ रियल नंबर में से हम जाकर क्या करें, अगर हम जो दो डिफरेंट एलिमेंट ले लें, लेट्स से एक एलिमेंट हम ले लें माइनस थ्री और दूसरा एलिमेंट ले लें आप जो है वो प्लस थ्री, दोनों एलिमेंट्स क्या हैं इक्वल नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एलिमेंट्स के ऊपर जब हम फंक्शन का आंसर निकाल लें तो जी का जब हम माइनस थ्री के ऊपर आंसर निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा,
माइनस थ्री का स्क्वेयर, वो क्या बन जाएगा आपके पास नाइन। और इसी चीज़ का आंसर अगर आप जो है वो प्लस थ्री के ऊपर निकालेंगे या थ्री के ऊपर निकालेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, थ्री का स्क्वेयर वो क्या बन जाएगा, वो भी आपके पास नाइन बन जाएगा। तो फंक्शन के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं लेकिन जो एलिमेंट्स यहाँ पुट किए हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन आप यहाँ पे सिर्फ इतनी रीजन लेके बता सकते हैं कि जियो फैक्स इक्वल एक्स के केस में अगर हम जो है कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे और उनके ऊपर जब हम फंक्शन का आंसर इवैल्यूएट करेंगे तो फंक्शन का आंसर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, वो भी डिफरेंट जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। और माइनस थ्री एंड प्लस थ्री, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स आप लोगों ने क्या लिए, सेट ऑफ रियल नंबर या जो फंक्शन जी है उसकी डोमेन में से लिए। और उसके अलावा ये जो माइनस थ्री और ये जो प्लस थ्री है दोनों किया हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन इनके ऊपर जब आप लोगों ने फंक्शन का आंसर निकाला, जी का जब माइनस थ्री के ऊपर आंसर निकाला और जी का जब आप लोगों ने प्लस थ्री के ऊपर आंसर निकाला, तो दोनों किस्म में आपके आंसर जो है वो क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए था बाय डेफिनेशन, तो ये इक्वल आ गए। इसका मतलब ये जो है जब भी हम डोमेन में से कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे तो उन डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जब हम फंक्शन की आंसर निकालेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन का आंसर भी आपके पास जो है वो डिफरेंट ही आए, यहाँ पे आपके पास सेम भी आ गया है। इसलिए ये रीजन लिख के आप बता देंगे कि हमारा जो फंक्शन है जी जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज जो है वो हमेशा नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है वन टू वन जो है प्रूफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मैथमेटिकल वे से भी प्रूफ करना चाहें तो आप इस वे से ही प्रूफ कर सकते हैं। मैथमेटिकल वे से प्रूफ करने का तरीका कर क्या था कि जी ओफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओफ एक्स टू, इन दोनों को जो है इमेजेस को आपस में इक्वल सेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है नहीं आता। अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन वन टू वन होगा, अगर नहीं आता तो फंक्शन वन टू वन जो है नहीं होगा। तो जी ओफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ओफ एक्स टू सेट कर दिया, जी ओफ एक्स वन का आंसर क्या आएगा आपके पास एक्स वन का स्केयर और जी ओफ एक्स टू का आंसर आपके पास क्या आएगा एक्स टू का स्केयर, ठीक है। जब दोनों साइड पर स्क्यूड लेंगे तो हमें पता है कि डोमेन और को डोमेन हमारे पास क्या है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है यहाँ पे फंक्शन जी के केस में। तो जब आप जो है वो और उसके अलावा ये कि हमने यहाँ पे जो एक्स वन और एक्स टू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये वाले, ये हमारे पास जो है वो सेट ऑफ या डोमेन में से हैं या सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं, तो ये एक्स वन एक्स टू आपके पास जो है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती हैं। जब आप यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्यूड लें कि एक्स वन और एक्स टू को जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जब आप स्क्यूड लेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस आएगा, स्क्यूड का आंसर आपके पास प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्स वन और एक्स टू डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो एक्स वन एक्स टू ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब आप यहाँ पे स्क्यूड लेंगे तो एक्स वन का आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस एक्स टू, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल नहीं है, ठीक है। एक्स वन जो है वो उसके आंसर आपके पास कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक्स वन का आंसर जो है आपके पास एक प्लस एक्स टू भी आ रहा है और एक्स वन का आंसर एक जो है आपके पास माइनस एक्स टू भी आ रहा है। तो आप यहाँ से तो कह सकते हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है, लेकिन यहाँ से आप क्लियरली जो है वो नहीं कह सकते कि x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो इसको यूज़ करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, आपको दो रिजल्ट मिल रहे हैं, एक कह रहा है x1 इज इक्वल टू प्लस x2, दूसरा कह रहा है x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है। हमने ये चेक करना था कि अगर x1 इज इक्वल टू x2 सिर्फ यही आपके पास आंसर में आए तो ये फंक्शन आपके पास वन टू वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिर्फ आपके पास ये आंसर नहीं आ रहा, आपके पास दो आंसर आए, एक आंसर आपके पास कह रहा है कि एक्स वन एक्स टू के इक्वल भी हो सकता है और एक्स वन जो है वो माइनस एक्स टू के भी इक्वल हो सकता है। तो एक्स वन की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, ये वाली जो है वो कंडीशन यहाँ पे सेटिसफाई नहीं हो रही, इसलिए आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वन टू वन फंक्शन जो है वो नहीं होगा। तो आप इस तरह मैथमेटिकल वे से भी चेक कर सकती हैं। और उसके अलावा जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले तरीका का बताया है कि आप डायरेक्टली डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस नहीं आ रहे, इसलिए आपका ये जो फंक्शन होगा जी ये वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन बायजेक्टिव फंक्शन की। बायजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी बायजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ बोथ वन टू वन फंक्शन एंड ओन टू फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन फंक्शन और ओन टू फंक्शन दोनों ही हो, या जो इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप की कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम जो है वो वन टू वन फंक्शन एंड ओन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या फिर उसको जो है वो वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ओन टू भी हो, या फिर इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, उस फंक्शन को हम जो है बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं,
या फिर उस फंक्शन को हम जो है वो वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कहते हैं, ठीक है, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस याद रखना, वन टू वन फंक्शन कुछ और है और वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कुछ और है। वन टू वन फंक्शन तो वही है जिसकी मैंने डेफिनेशन करवाई है, लेकिन अगर वन टू वन कोरेस्पोंडेंस की बात की जाए तो फिर वो ऐसा फंक्शन होगा जो वन टू वन होने के साथ ऑन टू भी होगा, ठीक है। जिस फंक्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं उसको हम जो है बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं ये फंक्शन आपके पास जो है वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन ये आपके पास क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ऑन वन टू वन चेक करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि फंक्शन के जो इमेजेस होती हैं एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इनको जो है आपस में इक्वल सेट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वन का आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स वन का क्यूब और एफ ऑफ एक्स टू का आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स टू का क्यूब, तो दोनों तरफ पावर वन बाई थ्री लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो ये देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हम लोगों ने सपोज की है, कंसिडर की है, और इसको कंसिडर करने के बाद आपके पास आंसर आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि आपका फंक्शन जो है ये क्या है, ये वन टू वन फंक्शन है। इस तरह ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना होता है, या तो ये प्रूव कर दें कि हर एलिमेंट का जो है वो प्री इमेज जो है वो आपको मिल रहा है फंक्शन की डोमेन में से, तो वो आपके पास फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कोई एक रियल नंबर जो है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है, तो अगर आप को डोमेन में से जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर एक लेट से ए कंसिडर करते हैं और इस ए को जो हम सपोज कर लेते हैं कि वो के किसका ए किसका आंसर आ रहा है, वो फंक्शन को जब फंक्शन में जब हम एक्स की वैल्यू पुट एक्स पुट करेंगे तो उसका आंसर आपके पास जो है ए आएगा, ठीक है। एक्स हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है डोमेन में से, लेकिन ए जो है वो जो कोडोमेन है उसके आर्बिट्री एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ रहा है, वो एक्स क्यूब आ रहा है, तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे ए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ए की पावर वन बाई थ्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें ये मिल जाएगी कि अगर हम जो है वो कोडोमेन में से अगर हम जो है वो ए ले लें एलिमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है वो एक्स की वैल्यू या डोमेन में से एक एलिमेंट जो है वो ए की पावर वन बाई थ्री जो है लाजमी मिल जाएगा, जिसको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो ये कोडोमेन वाला ये एलिमेंट ए जो है वो हमेशा मिल जाया करेगा। तो इसको आप चेक कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कोडोमेन में से जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है इसमें से अगर आप लेट्स से जो है वो टू ले लेते हैं एक एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर, ये टू ले लेते हैं कोडोमेन में से, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से कौन सा नंबर मिलेगा डोमेन में से जिसके ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करें तो आपको ये जो कोडोमेन वाला एलिमेंट टू जो है ये मिल जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जनरली फाइंड आउट किया हुआ है, अगर आप कोडोमेन में से ए लेते हैं तो आपको डोमेन में से एक्स का एलिमेंट जो है वो एक्स ए की पावर वन बाई थ्री जो है वो मिल जाएगा। जैसा कि हमने एक जगह यहाँ पे टू लिया हुआ है तो टू की पावर वन बाई थ्री ये भी आपके पास एक रियल नंबर ही है जो कि डोमेन में मौजूद है, इसके ऊपर जब हम जो है वो फंक्शन अप्लाई करेंगे टू की पावर वन बाई थ्री के ऊपर तो आपका फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है। एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, टू की पावर वन वन बाई थ्री, यहाँ पे पहले लिखते हैं हम टू की पावर वन बाई थ्री एक्स की जगह, उसके बाद एक्स क्या करेंगे इसका क्यूब ले लेंगे क्योंकि फंक्शन क्या है वो एक्स का क्यूब है, टू की पावर वन बाई थ्री और इसका क्यूब लेंगे, पावर के ऊपर पावर आ रही है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो वन बाई थ्री को जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर वन बन जाएगी और टू की पावर वन क्या होता है आपके पास वो टू ही होता है। तो आप देख सकते हैं जब भी आपने कोडोमेन में से एलिमेंट लिया है लेट्स से टू लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से टू की पावर वन बाई थ्री एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा, जिसके बाद जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन का आंसर आपके पास ये वाला एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। उसके अलावा मैंने आपको ऑन टू फंक्शन का एक चेक करने का एक और तरीका ये बताया था कि आप चेक कर लें कि जो भी फंक्शन आपको गिवन दिया गया उसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आती है नहीं आती, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है तभी फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं नोटेशन वाइज कि आपको कोडोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर बताई गई है, और वैसे भी कैलकुलस में इन जनरल जो है वो कोडोमेन जो है वो अगर आपको नेम गिवन नहीं दी गई तो हम जो है वो उसको सेट ऑफ रियल नंबर ही यूज़ करते हैं कोडोमेन को, और अगर आपको कोडोमेन खुद बताई गई है तो चाहे वो फिर आप लोगों ने वो यूज़ करनी है, चाहे वो सेट ऑफ रियल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर के अलावा कोई और सेट हो, ठीक है। कोडोमेन अगर आपको खुद बताई गई है तो कोडोमेन फिर आप लोगों ने क्या करना है वो सेट ऑफ जो सेट आपको बताया गया आपने वो यूज़ करना है, अगर आपको कोडोमेन नहीं बताई गई तो आपने फिर क्या करना है जनरल सेट ऑफ रियल नंबर जो है उसको यूज़ करना है कोडोमेन को। और उसके अलावा फिर अगर आप लोगों ने ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो चेक करें कि हमारे फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो कोडोमेन की इक्वल आ रही है नहीं आ रही, तो कोडोमेन यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है वो तो आ गया आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप रेंज की बात करें तो फंक्शन आपके पास एक्स क्यूब है,
और उसमें हम पुट क्या कर रहे हैं, डोमेन में सेल 1 सेट तो वेरिएबल नंबर पुट कर रहे हैं। जब इस फंक्शन में आप 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 के बाद वाले एलिमेंट पुट करेंगे 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपको जो है फिर पॉजिटिव आंसर रियल नंबर सारे के सारे मिलेंगे। अगर 0 से की लेफ्ट साइड वाले जो नेगेटिव नंबर है -0.1 -0.2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, वो जब पुट करेंगे इस फंक्शन में आपको तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर जो आंसर मिलेंगे। तो ओवरऑल इस फंक्शन की जो आपके पास रेंज आपको मिलेगी डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे रियल नंबर को पुट करने से, तो आप नोट करेंगे कि सारे के सारे रियल नंबर को पुट करने से आपका आंसर जो है वो भी सारे के सारे रियल नंबर ही आपको मिल रहे हैं। तो इस फंक्शन की रेंज क्या है आपके पास, रेंज भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो रेंज और कोड में आपस में इक्वल बन रही हैं। तो इस सेंस को भी यूज़ करके जो है बता सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो दोनों तरीके हमने चेक कर लिए हैं, हमारा ये फंक्शन है f(x)(x³), ये आपके पास वन टू वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये बायजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, लेट f बी अ बायजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए सबसे पहले आपके फंक्शन का बायजेक्टिव फंक्शन होना लाजमी है, अगर वो बायजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो हम उसके इनवर्स की भी बात जो है वो नहीं करेंगे। अगर अगर f आपके पास कोई बायजेक्टिव फंक्शन है, देन इनवर्स ऑफ f या इनवर्स फंक्शन ऑफ f इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन एंड इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू f इनवर्स y if and only if y is equal to f of x, ठीक है। तो फंक्शन आपको कोई भी क्वेश्चन में गिवन दिया गया होगा, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू f of x, ये आपको कोई फंक्शन दिया गया है जो कि एक्चुअली आपको स्मॉल f फंक्शन जो है गिवन दिया गया है, इस स्मॉल f फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको कि आप लोगों ने क्या करना है, जो फंक्शन आपको गिवन दिया गया होगा इसको जो है वो रीअरेंज करके आपने क्या करना है, एक्स को एक साइड पे कर लेना है। एक्स को एक साइड पे करने के बाद बाकी जो इन टर्म्स ऑफ वाई आपके पास ये एक्सप्रेशन एड्रेसर पे बनेगा, वो जो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा उसको हम जो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे गिवन फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, इनवर्स जो है हमेशा हमने बायजेक्टिव फंक्शन के केस में डिस्कस करना है। अगर आपका फंक्शन बायजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो फिर हम जो इनवर्स के फंक्शन को जो है वो डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन किया है, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये आपके पास क्या होगा, गिवन फंक्शन f का जो है वो इनवर्स होगा या उसका इनवर्स फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। मीन अगर आप y इज इक्वल टू f ऑफ x को सॉल्व करें तो आपको जो x इज इक्वल टू f इनवर्स y मिले, अगर आप x इज इक्वल टू f इनवर्स y को सॉल्व करें तो आपको जो है वो y इज इक्वल टू f ऑफ x जो है वो ये आंसर मिले। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाला फंक्शन आपके पास जो बनता है x इज इक्वल टू f इनवर्स y या f इनवर्स y, इसको हम जो है वो f इनवर्स को हम क्या कहेंगे कि वो ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे 2.3, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं ये फिलहाल क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ देने हैं, ये वाला टॉपिक जो है आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन में जो फंक्शन दिए गए हैं उनको हम लोगों ने चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शंस हैं या नहीं, ठीक है। तो वन टू वन फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस के जिनके केस में जब भी आप जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स उनमें पुट करें तो आंसर आपके पास जो है वो फंक्शन का जो डिफरेंट ही आए, तो ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं। या फिर अगर आप मैथमेटिकली चेक करना चाहें, जब भी आप जो है वो एफ ऑफ एक्स वन को f of 2 के इक्वल जो है वो सेट करें और उसके बाद सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो ये आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। ये कंटा पोजिट स्टेटमेंट है डेफिनेशन की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है, तब हम कह देंगे हमारा गिवन फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शन है। और डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि अगर आप जो है वो जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट लें x1 नॉट इक्वल टू x2, दो डिफरेंट एलिमेंट लें फंक्शन के डोमेन में से, तो फंक्शन की डोमेन में से, तो जब आप फंक्शन के आंसर निकालेंगे उन डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स वन का आंसर जब आप जो है वो निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ एक्स टू के। तो ये डेफिनेशन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के आंसर में आपके पास जो डिफरेंट ही आने चाहिए। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको दो ऐसे कोई डिफरेंट एलिमेंट मिल जाते हैं जिनको जिनके ऊपर फंक्शन के आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहे, तो फिर आपका फंक्शन जो है वो
वन टू वन फंक्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जितने कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट ले लें उनका आंसर हमेशा आपके पास जो है वो डिफरेंट ही आए, तो फिर वो फंक्शन आपके पास वन टू वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास डोमेन या सेट ऑफ रियल नंबर है तो सारे के सारे डिफरेंट दो दो डिफरेंट एलिमेंट लेके चेक नहीं कर सकते। उसके केस में जो है फिर आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो ये वाला काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला वे यूज करना पड़ेगा वन टू वन प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे दो एलिमेंट मिल जाते हैं डिफरेंट एलिमेंट जिनको लेने से जिनको फंक्शन पुट करने से आपके पास आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही ये वाली, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन जो है वो नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स यानी क्या होता है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है मॉड में हम जो है पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं और जीरो पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी फिर आपके पास, इस फंक्शन की डोमेन आपके पास होगी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स में हम जो है वो सारे के सारे रियल नंबर नंबर जो पुट कर सकते हैं। और अगर हम ये चेक करना कि फंक्शन वन टू वन फंक्शन है या नहीं, तो आप पहले ये नोट कर लें कि आपको ऐसे कुछ दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में जो कि डिफरेंट हों, लेकिन उनके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो डिफरेंट ना आए। अगर ऐसे दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो आपका फंक्शन जो है वन टू वन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे दो एलिमेंट आपको नहीं मिलते फिर आप लोगों ने जो है फिर जनरली प्रूव करना है इस तरह इस वे को यूज करते हुए कि जब भी हम दो फंक्शन के दो आंसर को आपस में इक्वल सेट करें तो इक्वल सेट करने के बाद आंसर हमेशा जो है वो दो एलिमेंट्स जो आपने यहाँ पे पुट किए हुए हैं एक्स वन एंड एक्स टू वो भी क्या आते हैं आपस में इक्वल आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये नोट करेंगे क्योंकि ये मॉड ऑफ एक्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसमें अगर हम जो है हमें पता है अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हम ये नोट करेंगे कि हम सेट ऑफ रियल नंबर में सेलेक्ट से अगर हम जो है वो माइनस सेवन लेते हैं एक नंबर और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से प्लस सेवन, ये दोनों नंबर के हैं डिफरेंट नंबर हैं आपस में इक्वल जो है वो ये दोनों नंबर जो है वो नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट हमने क्या कर दिए हैं डोमेन में से ले लिए हैं। अब इनके ऊपर हम जो है वो फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहा हूँ। फंक्शन अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, तो एफ ऑफ माइनस सेवन इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका सेवन आपके पास आएगा मॉड ऑफ माइनस सेवन या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन क्या होती है वो आपके पास प्लस सेवन ही होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट मॉड जो है आपके पास आंसर जो है आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। इसी तरह अगर आप जो है वो एफ ऑफ प्लस सेवन या सेवन इसका आंसर निकाल लेंगे फंक्शन का, तो इसका आंसर आपके पास आएगा मॉड ऑफ सेवन, और मॉड ऑफ सेवन क्या आएगा आपके पास, वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा सेवन। तो देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट हम लोगों ने लिए हैं डोमेन में से, एक एलिमेंट लिए हमने माइनस सेवन, दूसरा एलिमेंट लिए हम लोगों ने प्लस सेवन, डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं लेकिन जो फंक्शन है उनके आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं आ रहे, उनके आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल ही आ रहे हैं। तो वन टू वन फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये वाली, ये मॉड के फंक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए आपका जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 12 में ये फंक्शन क्या होगा, वन टू वन फंक्शन जो है वो नहीं होगा। इस तरह अगर आप बाकी पार्ट्स की बात करें तो बाकी पार्ट्स के केस में आप ये इजीली नहीं बता सकते कि कौन से दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जिनको फंक्शन इनपुट करने से आंसर आपके पास जो डिफरेंट आएगा, या ये भी कंफर्म नहीं बता सकते बाकी पार्ट्स के केस में कि जब भी हम कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे आंसर हमारे पास जो डिफरेंट ही आएगा। कि बाकी पार्ट्स में देख सकते हैं आपकी डोमेन जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फंक्शन क्यों दिया गया उसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका फंक्शन दिया गया उसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और माइनस जीरो है, क्योंकि इसमें हम जीरो पुट नहीं कर सकते, जीरो पुट करने से आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका फंक्शन दिया गया इसकी डोमेन भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर ये वन टू वन फंक्शन है तो ये भी आप जो है छोटी के साथ जो है नहीं बता सकते कि हमेशा जब भी आप डोमेन में से दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो आपके आंसर जो है वो डिफरेंट ही आएंगे। उसके लिए उस केस में फिर आपको क्या करना होगा, आपको जनरली प्रूव करना होगा हम जो है वो इस क्राइटेरिया को काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट वाली जो वाला जो वे है आप इसको यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करके हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो जो मेगी में दिए गए हैं बाकी क्वेश्चन पार्ट्स में वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं, ठीक है। चेक कैसे करना है, आपने एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इन दोनों को आपस में इक्वल सेट करना है, इनके आंसर लिखने हैं, इनसे जो इक्वेशन मिलेगी इनको यूज़ करते हुए सॉल्व करते हुए आपने चेक करना है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है नहीं आता। अगर तो एक्स वन इज इक्वल एक्स टू आ जाएगा तो आपका फंक्शन वन टू वन होगा, अगर नहीं आएगा तो आपका फंक्शन जो है वन टू वन नहीं होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करवा देता हूँ, इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 जो है फिर खुद ही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में वन टू वन चेक करना है, वन टू वन कैसे चेक करेंगे, हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स वन वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स टू के, ये हमने लेट कर लिया, ये काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट को यूज करके हम प्रूव चेक करने लगे हैं कि हमारा फंक्शन वन टू वन फंक्शन है नहीं। अब एफ ऑफ एक्स वन कैसे वन करेंगे, फंक्शन में एक्स की जगह जो है एक्स वन पुट करेंगे, तो आंसर आपके पास आएगा एक्स वन प्लस
वन डिवाइडेड बाय एक्स वन, फंक्शन एक्स की जगह जो है एक्स वन पुट कर दिया है। उसी तरह एफ ऑफ एक्स टू क्या है, फंक्शन में एक्स की जगह जो एक्स टू पुट करना है, तो आंसर आपके पास आएगा एक्स टू प्लस वन डिवाइड बाय एक्स टू। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये प्रूव करने की एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है या नहीं आता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू, ये एक्स वन जो है वो इस एक्स टू प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वन। उसके बाद नेक्स्ट मजे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आता है नहीं आता। एक्स टू एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा एक्स टू इंटू एक्स वन, और ये एक्स टू प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स वन को, जब हम एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स टू इंटू एक्स वन, एक ही बात है, रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स वन, जब इस एक्स वन को जो हम जो है वो प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक्स टू इंटू एक्स वन, दोनों साइड में आ रहा है, साइन सेम ही है, तो एक्स टू इंटू एक्स वन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन, और इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो नोट करेंगे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इसको कंसिडर करते हुए एलाइड करते हुए हम लोगों ने जो है वो इक्वेशन बनाई और उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ प्रूव हो गया कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है। तो ये बाय यूजिंग कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वन टू वन फंक्शन हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि मैं जो क्वेश्चन नंबर 30 में फंक्शन दिया गिवन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स 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 प्लस वन डिवाइड बाय एक्स, ये क्या है, एक वन टू वन फंक्शन है। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 में फंक्शन दिए गिवन दिए गए, आप लोगों ने उनको भी चेक कर लेना है कि वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको थोड़े आसान वे से फंक्शन डिफाइन करके गिवन दिए गए हैं। डोमेन यहाँ पे आपके पास जो है सेट ए है, कोड मेन आपके पास जो है यहाँ पे सेट बी है, फंक्शन डिफाइन किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन डिफाइन किया गया है कि वन का इमेज आपके पास जो है वो 5 आ रहा है, टू का इमेज आपके पास 7 आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है और 4 का 6 आ रहा है। चेक करें आपका फंक्शन जो है जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है या जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है वो ओन टू फंक्शन जो है वो है या नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो इस टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं डायग्राम बना के, जो डोमेन आपके पास क्या है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और आपकी जो कोड डोमेन है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 5, 6 एंड 7। हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि हमारा गिवन फंक्शन जो है ओन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है या नहीं। फंक्शन के आपके पास फंक्शन एफ है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 में जो फंक्शन एफ दिया गया उसकी उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, वन का इमेज आपके पास क्या आ रहा है 5, टू का इमेज आपके पास जो है वो 7 आ रहा है, 3 का इमेज भी 7 ही आ रहा है, और 4 का इमेज क्या आ रहा है आपके पास, वो 4 का इमेज आपके पास यहाँ पे 6 आ रहा है। हमने चेक करना था कि फंक्शन जो है वो ओन टू फंक्शन है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का जो कोड डोमेन है उसके हर एलिमेंट का आपको जो है प्री इमेज मिल रहा है, यानी कि डोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट आपको लाजमी मिल रहा है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको जो है वो कोड डोमेन का हर एलिमेंट जो है मिल रहा है। तो ये आप यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन जो है आपका जो फंक्शन है वो ओन टू फंक्शन है। उसके अलावा आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो फंक्शन की जो रेंज है, रेंज कौन सी है, जो जो आपके पास फंक्शन के आंसर आ रहे हैं, आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6, 7 आ रहा है, ये 3 जो है आपके पास ओवरऑल जो है पूरे के पूरे फंक्शन के आंसर आ रहे हैं। ये क्या है, आपके फंक्शन की जो एफ है उसकी रेंज है, और फंक्शन की कोड मेन क्या है, कोड मेन आपके पास जो है वो 5, 6 और 7 वो आपके पास सेट बी है। जो आपकी रेंज आ रही है फंक्शन की वही क्या है, आपके फंक्शन की कोड मेन भी है, तो रेंज और कोड मेन क्योंकि आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में भी आप कह सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ओन टू फंक्शन है या सब्जेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह अगर आप जो है वो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको भी जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, देखें कि आपका फंक्शन ओन टू फंक्शन है या नहीं, इमेजेस चेक करें,
थ्री का इमेज फाइव आ रहा है, यानी कि ये थ्री जो है इसका इमेज आपके पास जो है फाइव आ रहा है, वन का इमेज भी फाइव आ रहा है, वन का इमेज भी आपके पास क्या आ रहा है फाइव ही आ रहा है, और उसके अलावा जो टू है उसका इमेज आपके पास सिक्स आ रहा है, जो टू है यहाँ पे डोमेन उसका इमेज आपके पास जो है वो सिक्स आ रहा है, और जो फोर है उसका इमेज भी आपके पास यहाँ पे सिक्स आ रहा है, तो फोर है उसका इमेज भी आपके पास क्या आ रहा है वो यहाँ पे सिक्स ही आ रहा है। तो कोड मेन में एक सेवन एलिमेंट बच गया है जिसका प्री इमेज आपको जो है वो नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोड मेन में आपका जो सेवन एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 में, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको जो सेवन मिल जाए, इसलिए आपका ये फंक्शन जो है वो ये ओन टू फंक्शन जो है वो नहीं है। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे एफ जो क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहा है उस फंक्शन की आपके पास जो रेंज आ रही है, मीनस के आपके पास जो आंसर आ रहे थे वो कौन कौन से आ रहे हैं, बस फाइव आ रहा है और सिक्स आ रहे हैं, दो ही आपके पास आंसर आ रहे हैं, और आपके फंक्शन की जो कोड मेन है उसमें फाइव सिक्स के साथ सेवन भी है, तो ये आपकी जो रेंज है फिर क्या बन जाएगी, ये कोड मेन की इक्वल जो है वो नहीं होगी। जब रेंज कोड मेन की इक्वल नहीं होती तो उस वो फंक्शन क्या होते हैं फिर, वो ओन टू फंक्शन जो है वो नहीं होते, ठीक है। उस तरह के फंक्शन को हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उस तरह के फंक्शन को हम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सॉरी इन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिन फंक्शन के केस में रेंज कोड मेन की इक्वल हो उनको हम जो है वो ओन टू फंक्शन कहते हैं, और ऐसे फंक्शन जिनमें जो है वो रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल ना हो उनको हम जो है वो इन टू फंक्शन कहते हैं। तब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपके पास ओन टू फंक्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपके पास ओन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली आपके पास ये इन टू फंक्शन है। तब ये क्वेश्चन आप लोगों ने फिर क्वेश्चन नंबर 15 16 मैंने आपको यहाँ पे करके बता दी है, ये आप लोगों ने फिर खुद ही डिस्कस कर लेने हैं या इनको सॉल्व कर लेना अब इस तरह अपनी वर्डिंग में ही आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, तो ये चार क्वेश्चन हैं जिनमें इनवर्स फाइंड आउट करने लिखा गया है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोगों ने क्या करना है इनवर्स ही फाइंड करना है फंक्शन का। तो चार क्वेश्चन है जिनमें इनवर्स फाइंड करना है। पहले तीन क्वेश्चन जो है ये वाले 17, 18 और 19 ये कुछ और टाइप के हैं, इनमें फंक्शन आपको जो है वो एक रिलेशन के थ्रू डिफाइन करके बताया गया है, और जो चौथा क्वेश्चन है इसमें फंक्शन आपको जो है फार्मूले के थ्रू जो है डिफाइन करके बताया हुआ है। तो पहले तीन क्वेश्चन की बात करें तो पहले तीन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपके पास फंक्शन क्या कर रहा है, वन को टू पे मैप कर रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह देखना चाहें तो फंक्शन क्या कर रहा है, वन को टू पे मैप कर रहा है, उसके अलावा टू को फोर पे मैप कर रहा है, टू को क्या कर रहा है फोर पे मैप कर रहा है, या टू का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है फोर आ रहा है, थ्री का आंसर क्या आ रहा है थ्री ही आ रहा है, थ्री का आंसर हमारे पास जो है क्या आ रहा है वो थ्री आ रहा है, और उसके अलावा फोर का आंसर क्या आ रहा है वन आ रहा है, तो फोर का आंसर क्या आ रहा है आपके पास वन आ रहा है। तो ये फंक्शन आपको जो है क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो एफ बी में दिया गया है। हमने क्या करना है इस फंक्शन का जो है इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स क्या होगा फिर, जो फंक्शन है आपका एक्चुअली क्या है वो इस सेट लेट से ये सेट ए है, सेट से लेकर इस सेट बी तक है। इनवर्स फंक्शन फिर क्या होगा, इनवर्स फंक्शन आपका क्या होगा वो सेट बी से लेकर सेट ए तक होगा, ठीक है। और याद रखें इनवर्स फंक्शन जो हम तभी फाइंड करते हैं जब आपका फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन टू वन भी हो और ओन टू भी हो। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में आपका फंक्शन जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन दिया गया, जिसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया यहाँ पे, ये वन टू वन भी है और ओन टू भी है, मीन्स की ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, तो ये वन टू वन फंक्शन है, और कोड मेन के हर एलिमेंट का आपको जो है वो प्री इमेज भी मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन जो आपके पास किया है ये ओन टू फंक्शन भी है ये आपके पास, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ अगर आपके पास ए से बी है तो इसका इनवर्स क्या होगा फिर, वो बी से ए होगा, ठीक है। बी ई से बी से ए कैसे होगा, बी में आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं ये वाले, इसको हम ज़्यादा तरतीब से यहाँ पे लिखते हैं अब, क्योंकि हम स्टार्ट करने लगे हैं इसको यहाँ से, वन टू थ्री एंड फोर, ये आपके पास बी के एलिमेंट्स हैं। हमने क्योंकि एफ का इनवर्स फाइंड करना है, इस क्वेश्चन नोटेशन से नोट करेंगे एफ के इनवर्स को, और वो आपके पास जो है वो सेट बी से लेकर सेट ए तक होगा, और सेट बी तो हमने लिख दिया, सेट ए लिखते हैं, उसमें भी आपके पास जो है वन टू थ्री और फोर यही चार एलिमेंट्स हैं। तो इनवर्स कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो टू था जो कि आपका जो है वो इमेज बन रहा था, इसका हम जो है वो क्या करना है, इसको इसके प्री इमेज के साथ जो मिला देना है। तो टू को क्या करेंगे हम जो है वो प्री इमेज इसका जो था फंक्शन एफ में, वहाँ पे इसको वन के साथ मिला देंगे, तो कह देंगे कि बी में जो एलिमेंट टू है उसका इमेज जो है आपके पास जो है एफ इनवर्स के केस में क्या आ रहा है, वो इमेज जो है उसका वन आ रहा है। इस तरह फोर का प्री इमेज क्या था, वो टू था, तो हम क्या करेंगे फोर को टू के साथ मिला देंगे यहाँ पे। इस तरह थ्री का प्री इमेज थ्री ही है, और फोर का प्री इमेज क्या था, सॉरी वन का प्री इमेज आपके पास क्या आ रहा था यहाँ पे, वन का प्री इमेज आपके पास जो है फोर आ रहा था, हम क्या करेंगे
वन को फिर क्या करेंगे इस यहाँ पे फोर के साथ मिला देंगे, ठीक है। एफ एफ फंक्शन में क्या था, आपके आंसर जो है वो ए से बी की तरफ जा रहे थे, एफ इनवर्स में हम क्या करेंगे अपने आंसर को जो है वो वापस बी से जो है वो ए की तरफ जो है मिला देंगे, इस तरह ये वाला फंक्शन डिफाइन कर देंगे। और ये वाला फंक्शन आपके सामने डिफाइन हो गया, आपको इसको जो है वो सेट के वे से भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको जो मैं सेट के वे से डिफाइन करना चाहूँ तो सेट के वे से आपने किस तरह डिफाइन करना है, आपने देखना है कि आपके किस किस एलिमेंट के कौन कौन से आंसर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने डिफाइन करना है फंक्शन एफ इनवर्स, ठीक है, इस तरह सेट की फॉर्म में, तो किस तरह करेंगे, वन का इमेज आपके पास क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, लिखेंगे आपके पास एफ इनवर्स के केस में वन का इमेज आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास फोर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टू का इमेज क्या आ रहा है, टू का इमेज आपके पास आ रहा है वन। उसके बाद नेक्स्ट थ्री का इमेज क्या आ रहा है, थ्री का इमेज आपके पास जो है वो थ्री ही आ रहा है। और फोर का इमेज क्या आ रहा है आपके पास, फोर का इमेज आपके पास जो है वो वन आ रहा है। तो ये आपके पास एफ क्यूमन फंक्शन आपका इन्वर्स बन जाएगा। अब यहाँ से भी देख के जो है वो एफ इन्वर्स को जो है लिख सकते हैं आसानी से डायरेक्टली, और नोट करें फंक्शन में क्या था, वन का इमेज टू आ रहा था, टू का इमेज फोर आ रहा था, थ्री का इमेज थ्री आ रहा था, और फोर का इमेज वन आ रहा था। जब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टी साइड पे चल जाएंगे, हम देखेंगे वन का प्री इमेज जो है वो क्या आ रहा है, वन का प्री इमेज फोर आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो है क्या लिख देंगे एफ इन्वर्स में वन का इमेज जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो फोर आ जाएगा। तो थ्री का प्री इमेज क्या आ रहा है, वो थ्री आ रहा है, तो एफ इन्वर्स में हम देखेंगे कि जो थ्री का इमेज है वो क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। फोर का प्री इमेज आपके पास क्या आ रहा है, वो टू आ रहा है, तो एफ इन्वर्स में हम क्या करेंगे कि जो फोर का इमेज है वो हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। और फंक्शन एफ में टू का प्री इमेज आपके पास क्या आ रहा है, वो वन आ रहा है, तो एफ इनवर्स में हम क्या करेंगे, हम टू के इमेज को जो है वो हम वो वन कर देंगे। इस तरह भी आप जो है वो इनको उल्टा के एफ इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं, तो आपको इन दी एंड जो है ये जो गिवन फंक्शन एफ है उसका इनवर्स जो है मिल जाएगा। तो इन्वर्स आप इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 में भी जो है फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह ही है, फर्क इतना यहाँ पे आपके इमेज जो एलिमेंट्स और उनके आंसर को ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पेयर वाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है अलग अलग आंसर जो है फाइंड करके लिखा हुआ है कि वन का इमेज आपके पास जो है ए आएगा, टू का इमेज बी आएगा, थ्री का इमेज सी आएगा, फोर का इमेज जो है वो डी आएगा, ठीक है। जब आप जो है वो एच इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी बी जहाँ पे आपका सेट बन रहा है वो आपके पास जो है ए बी सी डी ये वाला सेट बन रहा है जिसको हम जो दूसरा सेट कहते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे एच के केस में आपका जो पहला सेट बन रहा है जिसमें से आपने इनपुट वैल्यूज पुट करनी है वो आपके पास वन टू थ्री एंड फोर, ये वो वाली वैल्यूज आपने एच पे फंक्शन इनपुट करनी है, और आपके आंसर एच के किस में आ रहे हैं, दूसरे सेट यानी कि कोड मेन में आ रहे हैं ए बी सी और डी, उनके आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बताई हुई हैं, अब उनको जो है वो एरोस के साथ जो है मिला के भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। हमने क्योंकि एच इनवर्स कहाँ से निकालना है, तो एच इनवर्स कहाँ से कैसे निकालेंगे, हम जो है वो बी से ए तक निकालेंगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास जो है फंक्शन एच है ए से लेकर बी तक, लेकिन हम लोगों ने जो है वो एच इनवर्स निकालना है बी से लेकर ए तक। तो हम देखेंगे कि बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्री इमेज जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो आप यहाँ से भी उठा के लिख सकती हैं, ए का प्री इमेज वन है, तो हमने क्या करना है बी से जब ए तक जाना है एच इनवर्स के केस में, तो हमने क्या करना है ए का इमेज जो है वो फिर क्या लिख देना है, वो हम लोगों ने वन लिख देना है। इसी तरह जो बी का प्री इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है एच के केस में, वो टू बन रहा है, तो एच इनवर्स के केस में जो बी का इमेज होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे टू बन जाएगा। इसी तरह सी का जो है वो प्री इमेज एच के केस में जो है थ्री बन रहा है, तो एच इनवर्स के केस में जो सी का इमेज होगा, सी का इमेज यानी कि सी को जब हम एज इनपुट वैल्यू पुट करेंगे तो सी का जो इमेज होगा वो आपके पास थ्री बन जाएगा। उसी तरह एच इनवर्स के केस में जो डी का इमेज होगा, जो कि एच केस में एक्चुअली जो है वो एच एच का जो है वो प्री इमेज है, एच इनवर्स के केस में डी जो है वो एज इनपुट वैल्यू यूज़ हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे एच के केस में डी जो है आपकी आउटपुट वैल्यू है, डी जो है फोर का इमेज एच के केस में, और डी जो है इनपुट वैल्यू है एच इनवर्स के केस में, और डी का इमेज जो है वो एच इनवर्स के केस में वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ये आपको जो है इनवर्स का आंसर जो है वो मिल जाएगा इन फंक्शन केस में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भी इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। इनवर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इनवर्स क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन हो तो उसका जो इनवर्स होता है, उसका इनवर्स जो है वो एफ इनवर्स होता है, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा गिवन फंक्शन का। तो आपके पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू टू एक्स
प्लस थ्री फंक्शन एफ ओ एक्स आपके पास यहाँ पे जो है वो इज इक्वल टू एफ ओ एक्स, इसमें एफ ओ एक्स को हम क्या पुट कर देंगे 2x प्लस थ्री। अब यहाँ से जो हम क्या करेंगे x को जो एक साइड पे करेंगे बाकी टर्म्स को जो है वो एक साइड पे करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x। अगर इस 2 को जो है वो इस साइड पे जाके डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू y माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास बन जाएगा f इनवर्स y। अगर आप डेफिनेशन देखें तो x इज इक्वल टू जो भी होगा आपके पास वो f इनवर्स y होगा, तो ये अगर आपके पास जो है y इज इक्वल टू ये अगर आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स है तो ये x इज इक्वल टू समथिंग जो भी आंसर आपके पास आ रहा है ये आपके पास क्या आ जाएगा f इनवर्स y आ जाएगा। ये हमारे जो है वो गिवन फंक्शन का जो है वो क्या होगा इन्वर्स होगा। अगर इस इन्वर्स को जब जो है वो एक्स की फॉर्म में भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ इन्वर्स अगर एक्स अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ये आपके पास क्या आ रहा है ये आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ वाई आ रहा है। याद रखना ये क्या आपके पास एफ इन्वर्स वाई है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन में एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई जो है आपको मिलेगा एफ का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आप यहाँ आप लोगों ने जो है एक्स की फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहाँ से निकालना है या एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या गिवन दिया गया एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। अगर आप लोगों ने एफ इन्वर्स एक्स निकालना है तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसका मतलब आपने एक्स एज ए इनपुट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जो एफ इन्वर्स ये जो फंक्शन है इसमें जो वाई वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें हम वाई की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स पुट कर देंगे। तो इसमें जब हम वाई की जगह एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। याद रखना एफ ऑफ एक्स का नहीं एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर आएगा, वो क्या आएगा यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वाई में वाई की जगह एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे भी जो है क्या आएगा वाई की जगह एक्स आएगा, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, ये आपको जो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर मिल जाएगा। उसी तरह आप जो है एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन का आंसर भी निकाल सकती हैं, यहाँ पे वाई की जगह आप क्या करें माइनस वन पुट कर दें, माइनस वन पुट करने के बाद सिंपलीफाई करें तो आपको जो है एफ इनवर्स ऑफ वाई का आंसर भी जो है वो मिल जाएगा। तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर टॉपिक जो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।